जल्दी मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ तो मैं अल्टीमेटम दूंगा सरकार को, मैं फांसी के फंदे पे खुद लटकूंगा अगर सरकार ने मुलजिमों का अरेस्ट नहीं किया तो, या फिर मैं टावर से चढ़ के अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि जब इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है तो कल को मेरे साथ में भी अन्याय होगा। ये नासिर का बच्चा है जी। अच्छा, ये क्या नाम है बेटा? पापा कहाँ बेटा आपका? पापा का जरा ये बच्चा बोल नहीं रहा, आप ये बताओ इस बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होगी जो सुबह से शाम तक दुकान पे ले जाता अपने बेटे को, सुबह से शाम तक 10 रुपए की चीज दिलाता है, रोता रोता जाता है, है? ये नासिर का बेटा है जिस नासिर जुनैद को क्रूर कत्ल कांड में बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। मासूम बच्चा देखे इसके चेहरे पर आज भी साफ जो है दिखाई दे रहा, इस मासूम की ये आज भी बिलख रहा है। ये तो राजनीति चल रही है, हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति हो रही है। इतना बड़ा हो गया जो उसको जमीन निगल गए, आसमान निगल गए, दूसरे मुल्कों में ये लोग वहाँ मदद भेज रहे हैं और यहाँ हमें जिंदा जला रहे हैं भारत के अंदर, इसको दबाने के लिए तो वहाँ मदद भेज रहे हैं ये लोग। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी बाहर की मदद, हमें तो हमारा इंसाफ करो पहले अंदर। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक बहुत ही मासूम और एक छोटी उम्र की बेटी जुड़ी, वो मृतक नासिर की बेटी है। आप भौचक्का रह जाएंगे इस बेटी के बयान सुन करके। जो बेटी इतनी मायूस और इतनी दुखद है अपने बाप के उस मर्डर से, उस क्रूर कत्ल से, तो ये आज एक मासूम बच्ची है, लगभग 6 से 7 साल की हो सकती है, जो गहलोत सरकार के लिए सीधा पैगाम दे रही है, राजस्थान डीजीपी के लिए पैगाम दे रही है। सुनिए जरा इन पीड़ितों की पुकार। जी बेटा, क्या नाम है? अंशम। आपका जो पिताजी नासिर कहाँ है? वो वजन दिलवाला उसके करेले पाए थे। अच्छा बेटा, किसने मारा था? वजन दिलवाला ने। आपने पिताजी को लेकर क्या क्या हुई सरकार से बताओ? मुलजिम को गिरफ्तार कर दिए, अगर 10 दिन तक गिरफ्तार नहीं हुए हम मर जाएंगे, पास अपने फंदे पे फांसी ले चल जाएंगे। अच्छा, ये डायरेक्टली उधर घर दिखाना भाई, इधर ये इस घर से निकल करके मेरे पास आई अचानक ही, और किसी ने इसको समझाया नहीं मेरे सामने तो, और इस बच्ची के जो बयान है कितने दर्द भरे हैं आप समझ सकते हैं। आपने क्या कहा था बेटी, आप मर जाएंगे? इंसाफ नहीं होगा तो आप मर जाएंगे? क्यों बेटा, इंसाफ तो मिलेगा आपको? जल्दी इंसाफ नहीं मिला है, मुलजिम को गिरफ्तार जल्दी नहीं कर रहा। अच्छा, पुलिस ढील बरत रही है, जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए बेटा। अगर गिरफ्तार नहीं किया तो फिर आप क्या करोगे? फांसी फंदे चढ़ा लेंगे। क्या करोगे बेटा? फांसी फंदे चढ़ा लेंगे, मर जाएंगे, इंसाफ न मिला जल्दी। मर जाएंगे? मरना चाहते हो आप? इंसाफ न मिला तो मर जाएंगे। बेटा आपको मरना नहीं है, आप एक मासूम सी बेटी है, आपको जीवन में बहुत कुछ करना है। मौत हर किसी को आती है और जिस बयान ने लिखी होती है उसी बयान आती है, ठीक है? आपके साथ पूरा मेवात, पूरा हिंदुस्तान खड़ा बेटी, आपको इंसाफ मिलेगा। आपको उम्मीद है पुलिस से? क्या कहना चाहते हो आप थानेदार साहब से? मुझे को गिरफ्तार और जल्द से जल्द अरेस्ट करके लाएं, और अगर मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए तो देखो जी, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमें नहीं मिला तो ये बच्ची तो कह रही है, बेचारी छोटी बच्ची है मासूम, मैं भी कह रहा हूँ इस चीज को खुल के, अगर जल्दी मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ तो मैं अल्टीमेटम दूंगा सरकार को जी। मैं फांसी के फंदे पे खुद लटकूंगा जी। अगर सरकार ने मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया तो, या फिर मैं टावर से चढ़ के अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि जब इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है तो कल को मेरे साथ में भी अन्याय होगा जी। कम से कम ये तो दिखा दूंगा कि भाई मैं लड़ा था तुम्हारे लिए, क्या करूं मेरी मजबूरी थी, सरकार से ना उम्मीद होके मैं फांसी के फंदे पे ही लटकना पसंद किया मैंने। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।